ये जो फैमिली कैसे हो आप लोग, आए हो सो कि आप लोग अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। तो ये मेरी अनदर ब्लॉग वीडियो, मेरी ब्लॉग कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो अभी हो रहे हैं मॉर्निंग के 7:25, 7:30 बजने वाली है और मेरी चाय मैंने कॉर्नर में रखा हुआ है और बहुत ज़्यादा हैप्टिक हो रखा है। तो इसके बाद मैं करने लगी थी पैकिंग, क्योंकि मुझे जाना है गांव और बच्चों के साथ इतना सारा लगेज हो जाता है कि आप ये रख लूँ वो रख लूँ, मतलब एंड मोमेंट पे आपको कुछ ना कुछ ऐसा रहता है कि छूट ही रहा है तो रखना पड़ जाता है। एंड यहाँ हो गई मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन और प्रेगनेंसी के में ऐसा होता रहता है, थोड़ा सा एकदम एनर्जी लॉस जैसी लगती है। तो मैं लेट गई थी और इसके बाद मौसम, ये देखिए मौसम बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा बादल हो रखा है। मौसम अच्छा था तो हमने मंगा ली थी मूंग की पकौड़ी और जलेबी खाने के लिए। ऐसा कुछ रहता है ना, थोड़ा बारिश का टाइम रहता है तो कुछ चटपटा सा अच्छा लगता है, इसलिए घर पे नहीं बनाया हुआ था, मार्केट से मंगाया हुआ था इसको। और इसके बाद हमको लेना था फुटवेयर, तो फुटवेयर वाली शॉप पे गए। वहाँ ये होलसेलर हैं, आप देख सकते हैं इतने ज़्यादा, मतलब उनकी गोदाम थी, वहाँ गए हुए थे। एंड इसके बाद मेरा हो रहा था फोटोशूट। उन्होंने आउटडोर को बोला था बट हमने मना कर दिया सामने से, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। आप सोच सकते हैं ये अप्रैल एंडिंग का वीडियो है, क्योंकि इधर थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था तो नहीं डाल पा रही थी मैं। एंड मना कर दिया इसलिए कि कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, आउटडोर का मतलब कहीं बाहर जाना और शूट करना। तो इसलिए मैंने बोला स्टूडियो में ही एक दो फ़ोटो आप निकाल दो और हो गया। उसके नेक्स्ट डे हमको निकलना था तो इस थोड़ा बहुत एक ही ड्रेस पे मैंने फ़ोटो शूट कराया। ये फ़ोटो शूट के लिए लाए थे बट मना कर दिया उन्होंने। थोड़ा और दो चार ड्रेस ले गए होते तो शायद उसके साथ सूट हो जाता, पर आप समझ सकते हैं प्रेगनेंसी में ये सब झेलना कितनी मुश्किल बात होती है, क्योंकि आप बार बार चेंज करोगे उसमें भी अनकंफर्टेबल होता है तो नहीं हो पाता, नहीं कर पाते। एंड डीजा भी साथ में आई थी, उनको भी देखना था, इधर उधर बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। एंड इन्होंने बहुत अच्छे से सूट करा एंड आप देख सकते हैं मैंने कोई मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं करा था। ऐसा होता है कि मन ही नहीं होता। और इसकी फ़ोटोज़ मैं कम्युनिटी पे ही डाल दूँगी तो आप लोग देख लीजिएगा। और मे भी अब यूट्यूब पे वीडियोस रेगुलर हो जाए। मैंने आपको बताया था कि मैं अकेली हूँ तो थोड़ा सा सब इधर उधर हो जाता है, शेड्यूल नहीं मैनेज कर पाती। और अभी प्रेगनेंसी के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा तबीयत भी उस तरह से रहती है। और इसके बाद हम लोग कुछ खाने चले गए थे क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। और वहाँ पे है 56 भोग, एक रेस्टोरेंट है, बहुत ही अच्छा है। एंड वहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा रहता है, छोला भटूरा वहाँ का स्पेशली मुझे बहुत पसंद है। इस वजह से मैंने बोला कि थोड़ा अभी मुझे निकल भी जाना था गाँव के लिए तो खा लूँ। एंड इनका ये मेन्यू लगा हुआ था जो इनका मतलब सबसे अच्छा डिश था। मैं हम लोग नीचे बैठे हुए थे, ऊपर
इनका अच्छा था, तो यहाँ मेरा छोला भटूरा आ गया और इन्होंने अपने लिए डोसा मंगाया हुआ था और मैंने कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर करी थी इसके साथ। कॉफ़ी मुझे पता है प्रेगनेंसी में नहीं पीते हैं, बट मैंने ज़्यादा पिया भी नहीं था, थोड़ा बहुत। एंड उसके बाद ये वो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे ही सामान लिया है, ये शुगर पॉप का कॉम्पैक्ट जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। पहली बात यूवी प्रोटेक्शन है, इसलिए मैं इसको मतलब इस समय, ये मेरा दूसरा है, ख़त्म हो चुका है। इसमें मैंने सेट पिक किया है हनी एंड ये पॉन्स और ये दो तीन पत्ता इस साइज की बिंदी है और क्या है, मैंने लिवॉन लिया हुआ था। बहुत ही मतलब ज़्यादा सामान नहीं है, थोड़ा थोड़े, और ये रबर बैंड बांधने के लिए, और एक मैंने इस तरह से एक क्लिप ली हुई है, और दो तीन इस तरह का प्लेन, बस यही। एंड एक ये फुटवेयर लिया हुआ है मैंने पिंक कलर में, पिंक कलर मतलब वैसे फुटवेयर्स तो काफ़ी थे मेरे पास। और ये एक है, मतलब ये दो हो गया फुटवेयर। इसका ना मुझे पैटर्न बहुत ही अच्छा लगा और सेम ही सेट है, इसमें ब्लैक है नीचे और ये है, और मतलब ऐसे डेली वेज के हिसाब से मैंने ले लिया हुआ है।